जी तो हम मौजूद हैं रॉयल बायो एनर्जी के डेमोन्स्ट्रेशन एरिया में। सर आपके जितने ये शाहकार हैं इनके बारे में हमें बताएं कि किस तरह से ये काम करते हैं। सर ये मुख्तलिफ किस्म के मॉडल हैं और इसमें हमारे पास डोमेस्टिक मॉडल आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमारे पास ये कमर्शियल मॉडल भी हैं, ये डोमेस्टिक मॉडल है जिसका हमने नाम 3G रखा हुआ है, ये मॉडल है हमारे 4G। अच्छा ये जनरेशन है, जनरेशन के लेटेस्ट थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन इस तरह इनके नाम है। ठीक है, तो इनका जो बेसिकली काम है वो ये है कि ये कितने साइजेस में आपके पास इस वक्त? सर ये काफ़ी सारे साइजेस में, काफ़ी सारे मॉडल्स में अवेलेबल है। सबसे छोटा साइज कितना है? सबसे छोटा साइज 4G में है। अच्छा 4G में, 4G में सबसे छोटा साइज। इसकी कैपेसिटी कितनी है? जिसके कैपेसिटी, इसकी जो रॉ मटेरियल की कैपेसिटी जिसमें फ्यूल आता है वो 800 ग्राम आता है और ये तकरीबन 8 से 9 अफराद का खाना बना लेता है। अच्छा ठीक है। सेम 3G का जो मॉडल है ये भी तकरीबन 7 से 8 अफराद का खाना बना लेता है। ठीक है, दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, सिर्फ वो ये स्टीली लुक में है। कुछ लोग इसे स्टील में पसंद करते हैं, स्टेनलेस स्टील में, और वो मेटल लुक में है तो इसलिए ज़रा वो मेटल में बनाया हुआ है। ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में अगर बताएं, इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी के बारे में बताएं तो आप कहें हम इसको चला के आपको दिखाते हैं फिर। ठीक है, बिल्कुल श्योर। तो ये इसका फ्यूल है, ये है वुड पैलेट्स, जो घास पत्ते टहनियाँ जो आप अपने गार्डन से निकालते हैं ये वो चीज़ है। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये वो पैलेट्स हैं, ये इन्होंने गार्डन वेस्ट और लकड़ी के बूरे से बनाए हैं। और अगर उसी गार्डन वेस्ट और लकड़ी के बूरे को अगर आम हालात में जलाया जाए तो उसमें से ऐसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो इंसान की सेहत को बहुत सारी बीमारियाँ, एलर्जी, अस्थमा और बहुत सारी सेहत की खराबियाँ पैदा करते हैं। लेकिन इन्होंने ये पैलेट्स इस अंदाज से बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं कि ये इस तरह का कोई भी नुकसान या जहरीली गैसें जो उनकी मिकदार ना होने के बराबर कर देंगी और कोई नुकसान सेहत को नहीं पहुंचेगा। और ये बिना किसी धुएं के होगा? बिना धुएं के होगा। सो ये मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा मॉडल है, इसमें ये इसका बर्नर चैम्बर है जी, ये इस बर्निंग चैम्बर में हम ये पैलेट्स डाल देते हैं। और ये जो है इसका साइज कितना है जी? उसमें तो 800 ग्राम डलते थे, ये जो दोनों का सेम साइज, इसमें भी 800 ग्राम जो पैलेट डलेगा और 800 ग्राम पैलेट जो है 5 किलो लकड़ी के बराबर काम देगा जी। इसमें कुछ पैलेट इस फॉर्म में ले लिए जाते हैं। इसको जलाने का जो तरीका कार है, ये केरोसिन ऑयल है, ये केरोसिन ऑयल है, इसमें आप कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, ठीक है, इसको कोई भी ऑयल, मिट्टी का तेल या कुछ भी इस पे स्प्रे इसलिए कर लिया जाएगा ताकि ये आग पकड़ ले। हाँ जी, ये स्प्रे करके और इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाएगा। पैलेट और मिट्टी का तेल हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये इसे दिया स्लाई, फायर दिया स्लाई से या लाइटर से या लाइटर से माचिस से किसी भी चीज से इसको आप सुलगा देंगे, उसको आग को आग लगा देंगे जी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसका 1 मिनट वेट किया जाएगा ताकि ये आग अच्छी तरह पकड़ ले। और ये जो नजर आ रहा है, ये जो इसके साथ फैन लगा हुआ है, ये बेसिकली इसको ब्लो करता है कि जो हमने इसमें मटेरियल डाला है इस मटेरियल को ये गैस में कन्वर्ट करेगा। अभी आप कुछ देर में इसके मनाजर देखेंगे, ये गैस चलेगी, ये लकड़ी को आग नहीं लगी होगी, ये गैस चल रही है, जो है आग जल रही है, थोड़ी देर के बाद ये गैस बनना शुरू हो जाएगी। गैस बनना शुरू हो जाएगी। और ये कब ऑन होगा? ऑटो ऑन होगा या हमें करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। कितनी देर के बाद आपको फैन ऑन करना पड़ता है? ये जैसी लकड़ी आग पकड़े अंदाजन 2 से 3 मिनट, अंदाजन 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये मुझे नजर आ रहा है, वाओ इट्स अमेजिंग। अब वो आग नहीं रही, वो गैस बनना शुरू हो गई है और उसकी स्पीड भी तेज हो रही है, जबरदस्त। और जो इसके अंदर बर्नर के अंदर जो सुराख नजर आ रहे हैं उनसे वो गैस निकलना शुरू हो गई है। जो सुराख इसके ऊपर आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली वो इसको गैस को बना रहे हैं और वो गैस जल रही है। इस टाइम जो फ्यूल है उसको आग नहीं लगी। इस टाइम अगर आप बेसिक पे चले जाएं इसके, तो आपने लकड़ी ही डाली है, ठीक है, लकड़ी की एडवांस फॉर्म डाली है, लेकिन आप देखें इसमें कोई धुआं, किसी किस्म की कोई स्मेल कुछ नहीं आपको मिलेगा, कोई भी धुआं नहीं है यहाँ पे। आप इसकी हीट कम करें ज्यादा करें, ये आपके पास इसका कंट्रोलर मौजूद है, ये इसके साथ इसका बैटरी बैकअप पावर बैंक मौजूद है। अच्छा, ये पावर बैंक की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? पावर बैंक की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके साथ एक छोटा सा फैन इंक्लूड किया हुआ है। और ये फैन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यही फैन हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप के प्रोसेसर्स के लिए भी यूज होता है, बहुत छोटा सा फैन। जी, ये 12 वोल्ट का वही फैन है। इसके साथ थोड़ा सा हमने इसको अमेंडमेंट करके इस प्रोडक्ट के लिए यूज किया हुआ है। पावर बैंक इसलिए यूज किया गया है ताकि कई इलाके जिन जगहों पर बिजली मौजूद नहीं होती है तो वहाँ के लिए ये काम किया जाता है। जबरदस्त व्यूअर्स, क्योंकि आपको पता है कि हमारा 65% पाकिस्तान में जो है वो देहाती इलाका है और वो जो देहातों के अंदर आपको पता है कि बिजली के बहुत कम होता है कि बिजली मौजूद है या गैस तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए इन्होंने जो ये प्रोडक्ट डेवलप की और उन लोगों के लिए आसानी पैदा की और साथ में पावर बैंक इसलिए दिया कि जिन इलाकों में बिजली नहीं है, मोस्टली देहातों में बिजली अगर नहीं है तो उनको बिजली की जरूरत ना पड़े, ये पावर बैंक ये जो है ये चूल्हा जलता रहे। अच्छा, इस पावर बैंक जो है इसका कितना बैकअप होता है, कितनी देर ये चूल्हा जला सकता है? देखें, ये जो चूल्हा है इसमें जितना हमने फ्यूल डाला है ये 1 घंटा 10 मिनट लगातार चलेगा। अच्छा,
और 1 घंटा 10 मिनट के ये 3 बैकअप देगा आपको, मतलब कि 3 टाइम के खाने 1-1 घंटे के आप बना सकते हैं एक मरतबा के चार्ज में, और इसका चार्जिंग टाइम 20 से 25 मिनट है। और मोस्टली जो है आपको पता है कि दिन में 3 दफ़ा ही खाना बनता है, सो पूरे दिन के लिए 1 बैटरी बैकअप बहुत है। दोबारा इसको चार्ज करने के लिए इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स, आई गेस 30 मिनट्स, बिल्कुल ठीक है। और ये मैं देख रहा हूँ कि दूसरा पावर बैंक भी छोटा सा पावर बैंक पड़ा हुआ है, ये पावर बैंक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इस स्टोव के साथ दिया जाता है, और यही पावर बैंक जो है ये 3 साइकिल पूरे करता है। अगर आप बड़ा लेना चाहते हैं ऑप्शनल होता है, और ये तकरीबन 7 डेज का बैकअप देता है। एक और बड़ी जबरदस्त चीज भी उसमें देख रहा हूँ जो कि अमूमन हम नहीं देखते प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये जो कॉशन का स्टिकर आपको नजर आ रहा है कि इन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने लगाया हुआ है कि ये जो गर्म है इसको हाथ ना लगाएं, जबकि ये इतना गर्म नहीं होता, इसको हाथ में रखने लग सकता है, लग सकता है। ये देखिए इसको आराम से मैं इसके ऊपर हाथ रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने उसका जो कॉशन का स्टिकर इसके ऊपर दिया हुआ है, तो ये कितना गर्म हो जाती है जो इसकी बॉडी है जब ये 1 घंटा चल जाता है, 30-35 डिग्री होता है। लेकिन ये भी कोई छोटे बच्चे होते हैं, हम बेसिकली चाहते हैं कि उनकी ये पहुंच से दूर है, ये आइटम किचन की है तो इसलिए थोड़ा सा बिवेयर रहे, इसलिए आपने वो जो है उसके ऊपर स्टिकर भी लगा दिया है। और जो ये पावर बैंक है इसके बिल्कुल करीब रखा हुआ है, हाँ जी, सो इसकी हीट से पावर बैंक खराब नहीं होगा, नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर जो उसका बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है 50 डिग्री तक होती है। ओके, और इसकी जो है वो 35 डिग्री इतना ये गर्म होता है, और 50 डिग्री लाजमी नहीं है, या पावर बैंक से ही चलाएं, आप सोलर प्लेट भी ऑप्शनल होती है, यही पूछने लगा था मैं, आपके के साथ भी चलाया जा सकता है। हाँ जी, आपके पास मोबाइल चार्जर हो, बिल्कुल ठीक है, आपके पास कोई मोबाइल जिसमें यूएसबी ऑप्शन हो, यूएसबी पावर की ऑप्शन कोई भी अवेलेबल हो आप चला सकते हैं, आप कार चार्जर से चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 12 वोल्ट का इन्होंने जो ये यूनिट है इलेक्ट्रिक यूनिट वो यूज किया है, जो बहुत माइनर सी जिसको बिजली चाहिए होती है, जो कार के चार्जर से भी चल सकता है, लैपटॉप के साथ भी अटैच करके आप इसके अंदर पावर केबल लगा देंगे तो चल जाएगा। तो ये फैन को चलाने के लिए बस इतनी सी ही बिजली दरकार है। अगर हम इसको देखें कि जो ये पावर बैंक है, इसका एस्टिमेट कभी लगाया कि ये पावर बैंक को फुल चार्ज होने में कितने बिजली के यूनिट स्पेंड होते हैं? सर इसमें बहुत हार्डली जो आपके मोबाइल में पावर की यूज होती है, बस आप मोबाइल की जो बैटरी है उससे भी 50% नीचे आ जाए, उससे भी कम पे, थोड़ी सी बिजली की कॉस्ट और ईंधन की कॉस्ट 5 गुना कम लकड़ी के मुकाबले में, इतनी बचत है इसके अंदर। फिर पॉल्यूशन से बचेंगे, और हेल्थ के लिए आपको जैसे बताया कि कितने फ़ायदे हैं कि उस धुएं से, जहरीली गैसों से इंसानियत को और सबको वो महफूज रखेगा।